सूचना मौके से जी सर, अभी मौके से सूचना प्राप्त हुई है कि जगराम सिंह इस समय चुनावों में जो दंगल पड़ता है इस समय अपने साथियों के साथ दारू पिए बैठा हुआ है। सर ये सूचना मौके प्राप्त हुई है, हमारे साथ में आप लोग चलो, मैं उसी वक्त उसको फिर देर किस बात की सर, बढ़ाओ पैगाम। आज जगराम सिंह हाथों में हाथ कड़ी डालकर सीखते हुए ताले को लेकर आना है। बढ़ाओ पैगाम। जमीन पर पैर रखता हूँ, जमीन पर पैर रखता हूँ, जमीन ये थर थर होती है, कर दो नजर टेक लेगा। शोहरा है मेरे नाम का, शोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, शेरों के छत्ते छूने का बुला। बताऊं नहीं तो कोई शादी दिखाई दे रहा है ना तो कोई पहाड़ी। चलो इंतजार करते हैं। अरे दुनिया बदल जाए, अरे दुनिया बदल जाए, जमाना खिलाफ हो रास्ता वो चलूंगा तेरी। सुसकते हुए बच्चे को, अरे सुसकते हुए बच्चे को सुला देना मेरा काम है, दुनिया जानती ही जानती है। अरे खून बरसे खून तड़पे, खंजर की धार से खून की नदियां बहादुर गोली की। साथियों अभी पहाड़िया नहीं नजर आ रहा है, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर पानी में पाद मारू तब उठा, उठते हुए जहाज को पंखा उतारो और पानी पाद का मुझे निकालो। आहे ये कौन सी तेरी भाभी है? तेरा भाभी ना है? कौन सी भाभी है? या कोनी जो अपन मार दे बंदूक के, तो जहाज उड़ा तो यार ते पंखा खा ले। पुलिस वाले जा जाए रपटावे लगे, भागे लगो, भगते भागत भगते भागत कोई गहरी तलिया में कब बदे भादी परो। अब वह में ना कदा भी लो खा ले तेरे पाते लगे। ऊपर बुज्जा निकली है, पुलिस वाले दिन है साला बूढ़ के मर गया, यहाँ से गाड़ी लेकर थाने चलो। और जब से वही गाड़ी लेकर थाने चले जाए उके तनिक देर बाद गड़म निकल कर टिपाई जाओ। पहाड़िया बहुत होशियार है, और नहीं अबू तलक के भद्रों, आज ये क्या सामने देख रहा हूँ? या तो अपने सरदार जी की फोटो, सरदार जगराम सिंह। हाँ पहाड़िया, देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। हाँ हाँ, अपने सरदार के लिए 50,000 रुपया, सही बात, एक गोली बंदूक और एक पेटी कारतूस। अब वह सब इतना रहिया शायद है, अपने सरदार को नहीं मालूम। हाँ हाँ, चलो ये क्या काम निकलता हो, तुम्हें तंत्रा जाती है।
जमीन तक आ जाती है, हवा का रुख बदलता तो न चलती। क्या बताओ दोस्त, आज मेरे साथ नजर नहीं आ रहे, काली पहाड़ी छोड़ करके पीली पहाड़ी की तरफ गए थे। ठीक है, अब मैं अपने साथियों का इंतजार करता हूँ, मगर पहाड़िया साला कहा गया उल्लू का पट्टा। अरे पूरब से बहती नदियां पश्चिम को मोड़ दू, हुड़की हुई भैंस के ऊपर भैंसा छोड़ दू। उल्लू के पट्टे, इसमें तेरी कौन सी बहादुरी है रे? आहे बहादुरी नहीं, क्या बहादुरी है बोल? पूरब नदी बहाते हुए गोली मार दे तो पच्छक बहाय लगी, हुड़की हुई भैंस के ऊपर भैंसा छोड़ो, खूब तय दूत है खिचड़ी है ना। पहाड़िया तू साले खाने पीने आगे रहते हैं वा? सरदार जी, मेरे दोस्त कहो सरदार, आप लोगों का क्या बात है मेरे दोस्त? सरदार जी आज ये कहा है, क्या करते हैं साथियों? आपसे हमको जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो? क्या खबर ला हमें, आपसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम है वो इंस्पेक्टर का? क्या नाम है उस एसपी का? क्या नाम है मेरे दोस्त? इंस्पेक्टर से बोल दो ये सरदार जगराम सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो साले उसको गिरफ्तार कर लेगा। और उससे कह दो सरदार जगराम सिंह की तरफ से 50,000 में 25,000 और डाल दिए जाएं,
उसकी तबियत का थक जा जगराम सिंह को गिरफ्तार कर सके। और इंस्पेक्टर को ये नहीं पता है जगराम सिंह का एक दूसरा नाम है सजा। सरदार जी और दुनिया में अरे पैदा नहीं आप कोई माई का तुमने नाम क्यों नहीं बताया? उस इंस्पेक्टर का क्या नाम है रे पहाड़िया? क्या इंस्पेक्टर बिक्रम सिंह तेरे बिक्रम सिंह के 50,000 रुपए ना बेचा है? और इंस्पेक्टर बिक्रम यहां से वापस हो जाओ नहीं तो सारे तेरी बीबी इंस्पेक्टर की गाड़ी आ रही है। विक्रम इंस्पेक्टर की गाड़ी आ रही है। खुद सारे चला रहे हो क्या लगाना? एक घंटे गली चला दिया चला हो क्या लगाना? चलो आपसे बचाएगा। Yeah!
इंस्पेक्टर विक्रम के साथ एसपी भी लगा है साला उल्लू का पट्टा। हम लोगों के पास मसाला भी कम पड़ चुका है, उन लोगों को सालों को सरकारी मसाला मिलता है, हम लोगों को चोरी से खरीदना पड़ता है। इंस्पेक्टर विक्रम ये आप तो हम लोगों से छोड़ करके उसका जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा डर हुआ तो तुम तो दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा नाम सर। क्योंकि हमें शिकायत पे नहीं ध्यान दिया, लेकिन हमने नजरों से देखा कि आप लोग मेहनत बहुत ही करते हैं जी सर, लेकिन इतना खूंखार है क्योंकि उसे अपने पता लगने से पहले उसे सूचना मिल गई निकल गया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं क्योंकि ये जो कर रही है अपने पर को पार कर गए सर, इसलिए वहाँ पिता कहना ठीक रही, अगर वहाँ जाते हैं तो हमारी आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाएगी। यस सर, यस सर। इसलिए आप लोग जो है थाने वापस चलते हैं सर। लेकिन इसका जो है क्योंकि जुल्मी इनाम पर रखा हुआ इसके पर जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लगेंगे, अगर ये मुझे मेरे पास पहुंचाएंगे तो आपका अपना सा अधिकारी डीआईजी आपका सर। हम कुछ कहना चाहेंगे आपसे, क्या कहना चाहते हैं? आपने खुद देख लिया कि डाकू जगराम सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं कि हम लोग दौड़ के पकड़ लेंगे। सच कह रहे हो, होशियार के साथ साथ चालाक भी है, और जब भी हम लोग गिरफ्तार करने आते हैं तो इसी दरिया को क्रॉस कर जाता है। सर, अगर हमारी गलती को क्षमा कर दिया जाए तो हम आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्योंकि गलती इसलिए है, शिकायत को ध्यान देते हुए नहीं तो अपने मौके शिकायत देखा है तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना यह चाहता हूँ कि थाने में सिपाही कम है, इस थाने में फोर्स कम है, क्यों ना कुछ जवानों की भर्ती कर लिया जाए, अपने पास फोर्स बढ़ जाएगा और जगराम सिंह आसानी से गिरफ्तार हो जाएगा। क्योंकि अगर ये समस्या नहीं होती तो फोन से पहले अवगत करते हैं, हम आपको इस बात को अवगत करा रहे हैं कि आपके पास स्टाफ की कमी है जी सर, तो आपके इलाके में अगर कोई है वो तो सिपाही लगा दो कि सिपाहियों की भर्ती दलों की भर्ती है जी सर, उसी तरह से आपने तलाश कर लेता है, अगर कोई भी सज्जन पढ़ा लिखा ऐसा कहता है तो उसको भर्ती आप लोग उसके लिए मैं आपको आदेश दे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर विक्रम, फिर देर किस बात की है भर्ती की? कल भर्ती किया जाएगा, इसलिए हवलदार और चौकीदार को भेज देते हैं शहर की तरफ। हवलदार चौकीदार दोनों लोग आगे बढ़ो। अब अरे क्योंकि एसपी साहब का आदेश है, आप दोनों लोग किसी शहर की तरफ जाओगे। हाँ, और क्या करोगे मालूम? शहर तक जाना और अच्छा खासा नौजवान पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए उसे पकड़ करके साहब के पास लाना। मेरी बात सुनो, शहर को जाओगे हर चौराहे पे पोस्टर लगा दोगे कि कल डायरेक्ट पुलिस में भर्ती किया जाएगा, उसके साथ साथ कोई नौजवान अगर जो तुमसे पूछता है नौकरी करने के काबिल है तो उसे साथ लेकर के आओगे, क्योंकि हमें तत्काल सिपाहियों की जरूरत है। सर, इंस्पेक्टर विक्रम गाड़ी बढ़ाओ थाने की तरफ आओ। हाँ राम सिंह, बताई चलो यार गावा चला जाए चल भाई। ओ हंसता हुआ नीलामी चेहरा काली जुली फेरंग सुनहरा तेरी जवानी है तो काले तोबा है तेरी बा शहर में घूमते घूमते पूरा एक हफ्ता हो गया।
जो मेरे पास पैसे थे वो भी खर्च हो चुके हैं, एक एक दाने को मोहताज हो गया हूँ। किसी प्रकार का काम पर नौकरी नहीं मिल रही। मेरी माँ घर में खत का इंतजार करती होगी और हम यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ना जाने कब तक इस उम्र में ठोकरें खाएंगे। और खाए की ठोकरें जवानी कहा खान नहीं, ये वत्ता बड़ा तुमका ढांचा नहीं देख देख आंखी का बताई दहा कर रहे हैं। अब है चलो रोड पर होती तब गलती हो गई, गलती ही तो बच गए। और रोड पर कोई दस्तैरे समय पर जाते हो तो जैसे भूसा उड़ते से सरते ऐसे उड़ जाते हो। सच के तिल के मेरे कपड़े हैं। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। आतंकवादी कोई शकल नहीं मालूम देते। अच्छा कुछ नहीं मेरे पास है। तो लगा था मैं ढेर भी खा रही। एक पैसा मेरे पास नहीं भाई। नाम का नाम मेरा सूरज है। सूरज और तुम्हारे बाप क्या रहा? मेरे बाप का नाम नंदू वर्मा। नंगू? अरे नंगू नहीं नंदू, नंदू वर्मा। कितना पढ़े? मैं बीए पास हूँ भाई। बीए पास? जी जी। तो यार बढ़िया, हमका लगा इतने बढ़िया को हमें लौंडो नहीं मिले। क्यों? लेकिन आप हमें क्यों रोकते हो? अरे तुम्हारे जुगाड़ में जुगाड़ नौकरी करी हो? करना तो चाहता लेकिन मिलती नहीं मेरे भाई। हम लोग मिल गए समझ लो, नौकरी पहले मिल गए। मिल गई ये हवलदार ल्याण सिंह का देख। हाँ राम सिंह। अच्छा अच्छा। जो तुम्हारी किस्मत हुई, जो तुम्हारी तकदीर हुई, अच्छा अच्छा, तो तुमका इन पे ढेर उच्च पद पर नौकरी मिली। लेकिन कहाँ मिलेगी? यहाँ का बांध कर लाए ना। अच्छा अच्छा। हमारे साहब फिर चलाओ फट नौकरी ले मेरे भाई, भाई। अगर आप मुझे किसी प्रकार की नौकरी दिला देंगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमारा एहसान कोई नहीं। अच्छा ये तो हमारा फर्ज रहा। अच्छा ढूंढा आया रहा ना, मगर मिल गए हो तुम तो चलो चलो आओ चलो। काफी टाइम हो गया दोनों को गए हुए और अभी तक वापस नहीं आए। कोई बात नहीं, इंतजार कर। हवलदार तो तुम कला करते हुए आ रहे हो? अच्छा जब तुम्हें पता है कि चौकीदार हरामी है तो दाएं बाएं चला करो ना। क्या है लौंडा? क्यों एसपी साहब ने कहा था अच्छा खासा लड़का लेकर आओ और तुम सारे पता है लौंडा? नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? सर सर। हाँ।